नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की एक ऐसी योजना के बारे में जिससे कि दक्षिण बिहार में जल संकट को दूर करने की बात कही जा रही है। बिहार में एक साल अगर बरसात तय समय पर नहीं हो तो खरीफ फसलों को पर आफत आ जाता है। इतना ही नहीं, कई नदियां पूरी तरह से सूख जाती है और जमीन का जल स्तर नीचे चला जाता है। बिहार में भी इन दिनों इसी तरह के हालात, खासकर दक्षिण बिहार की कई नदियों के जलस्तर में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है, जिसके बाद से आम लोगों के साथ साथ सरकार को भी इस ओर सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में बिहार सरकार अब इस ओर विचार करना शुरू कर दी है। इसके तहत कई तरह की योजनाओं पर बिहार में काम किया जा रहा है। बता दें कि भूजल रिचार्ज करने को लेकर प्राकृतिक वनों में गैर लैंड ट्रेंच का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि जल को संरक्षित रखा जा सके। बता दें कि इस योजना के तहत पहले चरण में रोहतास, नवादा और बांका में इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसकी लागत 2.67 करोड़ रुपया बताई गई है। बता दें कि जंगलों में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा नवादा में भी वनों के पुनर्वास और जल संरक्षण के लिए 1.50 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति दे दी गई है। बता दें कि इन इलाकों में गैर लैंड ट्रेंच के माध्यम से जल संरक्षण की योजना पर काम किया जा रहा है। इधर बांका में भी इसी तरह की योजना पर काम किया जा रहा है, जिससे कि जल को संरक्षित किया जा सके, वनों को और भी विकसित किया जा सके। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर घर गंगा जल को सफलतापूर्वक लागू करने को लेकर काम कर रहे हैं, जिससे कि पर्यटकों को भी लाभ मिल सके, साथ ही साथ जल संरक्षण भी किया जा सके। ऐसे में बिहार में पूरे देश की पहली ऐसी परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसमें कि मानसून के दौरान अतिरिक्त नदी के पानी को जलाशयों में संग्रहित किया जा सके। इतना ही नहीं, यह पानी शुद्धता के मापदंड पर भी बेहतर होगा, यानी कि जब आपकी इच्छा होगी कि आप इसे पी सके तो आप इसको पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्देश्य यही है कि विशाल जलाशयों में मानसून के दौरान आने वाले पानी को स्टोर किया जा सके। कहा जा रहा है कि जलाशयों में पानी रहने से पर्यटन के लिहाज से भी यह ठीक रहेगा और जल संकट की समस्या इससे तो दूर होगी ही होगी। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इस तरह की परियोजना का पहला चरण अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। इस परियोजना को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भी शुरू किया जा रहा है। बता दें कि इसकी शुरुआत सबसे पहले राजगीर, गया और बोध गया में होना है। आपको बता दें कि गंगा नदी पर पानी मोकामा में हाथीदह घाट के पास से उठाया जाएगा और उसे शहर के दूसरे हिस्सों में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि यह काम मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की कंपनी कर रही है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में पटना के मोकामा से हाथीदह में सबसे पहले इंटेल बेल सह पंप हाउस बनाया गया है, जिसमें हाथीदह से राजगीर में बने डिटेंशन टैंक में पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए पानी को राजगीर तक पहुँचाया जाएगा। साथ साथ तेतर और गया में भी इसे पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत होने के बाद से यह उम्मीद की जा रही है कि दक्षिण बिहार में गंगा नदी का जल आम लोगों के लिए सुलभ हो पाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि गंगा नदी के पानी से दक्षिण बिहार के लोगों को एक हद तक जल संकट की समस्या से भी निजात मिल पाएगी। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में पर्यटन की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस परियोजना का उद्घाटन 27 और 28 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। सरकार पर्यावरण बचाने को लेकर तमाम तरह की कोशिशें करती रही, लेकिन हमें अपने हिस्से से भी काम करने की ज़रूरत है। हमने पेड़ लगाना छोड़ दिया है, हमने छोटे छोटे तालाब को भरकर उस पर घर बना लिया है, गांव में मिलने वाले अहर पैन को समाप्त कर उसे या तो अपने खेत में मिला लिया या फिर उस पर सड़क बन गई है। ऐसे में अगर जल संरक्षण करना है तो हमें फिर से अपने पुराने ढर्रे पर आना होगा और वाटर स्टोरेज पर विचार करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में जल संकट पूरे देश की एक बड़ी समस्या बनकर सामने आएगी। बिहार जैसे प्रदेश में जल संकट की समस्या वास्तव में सोचने वाली बात है, क्योंकि बिहार जो है गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है। ऐसे में बिहार या फिर कहले गंगा के मैदानी क्षेत्र वाले जो इलाके हैं, यहाँ जल संकट की समस्या नहीं होनी चाहिए। खास करके अगर हम दूसरे इलाके की बात कर लें तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के साथ साथ कई अन्य ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर जल संकट आम है। ऐसे में बिहार के लोगों को एक बार फिर से जल संकट पर सोचने की ज़रूरत है। तो ये थे बिहार में जल संकट से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।